देखिए, देश के साधु देश के संविधान को तय नहीं करेंगे। देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलता है, देश का संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और देश की आज़ादी, साधु संत उस समय कहाँ लंगोट बांध के चले गए थे जब देश में 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम करके, मुगलों ने जो हजारों साल हमारे देश को गुलाम रखा था। अगर संविधान नहीं रहता तो आज हमारे जो देश की जो बना है परिदृश्यता, जो मोदी जी आज विमान पर और मिसाइल पर का बात करते हैं, तो देश संविधान के ऊपर चलती है। बाबा का काम है सनातन की रक्षा करें, सनातन की बात करें, पूजा पाठ कराएं, सेवा करें, सत्कार करें, चंदा लें और लोगों से प्यार करें। उनको क्या जरूरत है देश के इस पचड़े में पड़ना। बाबा तो हिंदू राष्ट्र के लिए एक तो कर रहे ना बागेश्वर बाबा। देखिए, हिंदू राष्ट्र उनके कहने पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र तो लोगों के मानवता और धर्म में सभी धर्मों का यह देश है जिसे हम भारत कहते हैं। भारत लोकतंत्र के आधार पर चलता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने भागीदारी इस देश को संरचना में किया है, सभी का भाग रहता वो हिंदू है। जो भारत में रहता है हिंदू है, हिंदू का हिंदुत्व का मतलब ही नहीं बता पाते हो लोग ना। हिंदू के नाम पर जिससे संप्रदायवाद को बढ़ावा, ये उनका नहीं है, ये बाबाओं को मुखौटा पहने हैं। बाबा बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा एक मुखौटा है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, वो चाहता है कि देश को खोखला करो, राज करो, देश में विनाशकारी शक्ति को मजबूत करो, ऐसा बात फैलाओ, जाति धर्म हम राम के नाम करो। लोग इतना दिन मंदिर मस्जिद की बात किए, वापसी करवा रहे हैं मुस्लिमों की। देखिए, घर वापसी मुस्लिम तो इसी में खाक और राख में मिले हैं, इसी मट्टी से पैदा लिए हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने सहयोग किया भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत को समृद्ध बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। आज इस तरह का बाबाओं, अब मौलाना और चर्च से और गुरुद्वारे से सब लोग बोलने लगे कि नहीं हम ये राष्ट्र बनाएंगे, हम वो राष्ट्र बनाएंगे। हम राष्ट्र का निर्माण प्यार मोहब्बत, इसीलिए तो इस देश में जो नफरत की भी मोहब्बत से कहाँ हुआ है निर्माण। बजरंग मुनि है सीतापुर के, वो कह रहे हैं कि पहले मुसलमान आए थे, हिंदू राष्ट्र था, उन्होंने नरसंहार हिंदुओं का किया। अब हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो दोबारा नरसंहार मुसलमानों का करें। देखिए, हम लोग तो उतना दिन देखे नहीं लेकिन अपने पूर्वजों से सुने हैं। हमारे घर के दीवार के बगल में ही हमारे खान साहब का बचपन से, हम डॉक्टर सम्मत खान थे हमारे पड़ोसी मेरे गांव में, और उनके साथ उनका पोता मेरे साथ पढ़ता था, नाती अमजद, डॉक्टर अमजद। तो सब हम लोग पढ़े, हम लोग उनके धर्म के बारे में जाने, और कहीं से नफरत तक कहीं से ये नहीं दिखा कि ये हम जैसा मोहब्बत। हमारे घर से उनके पास होली पर जाता था और उनके घर से ईद पर हमारे यहाँ सेवैयाँ आती थी। तो ये प्रेम और सौहार्द, जो प्रेम में ये लोग आग बोने का काम कर रहे हैं, अगर हटाना है हिम्मत तो दिवाली के पीछे अली लगा है उसको हटा दो, और रमजान के सामने राम लगा है, राम के बाद जान होता है तब रमजान बनता है। हम दिवाली के पीछे अली लगते हैं तब दिवाली बनता है। जब ये हमारा पूर्वजों ने जो संस्कार का बीज बोया है, जो एक सूत्र में बांधने का धर्म जाति का, ये नया प्रोपगंडा जब से मोदी जी का 14 के बाद आज़ादी, तथाकथित आज़ादी मिली है, जिस दिन से नाखून ये लोग देश के लिए नहीं कटाए, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म जाति के नाम पर मुस्लिम को टारगेट बनाते हैं। वही सुनिए, मैं वही RSS प्रमुख चले जाते हैं जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं लोग, वही जाते हैं मौलाना के पास जाके मस्जिद में उससे नमाज पढ़ते हैं, उसको Y+ सुरक्षा दिलवाते हैं, मदरसे में जाके तलीबा पढ़ते हैं, वहाँ जाके सुरक्षा की बात करते हैं। तो एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम चाहे गौ मांस खाया चाहे कुछ, हमारे RSS के सेकेंड पोजिशन वाले बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में आ जाओ, चाहे गौ मांस खाए चाहे कोई मांस खाए, सब माफ है। यार, आप धर्म जाति के नाम पर अपना वोट का जो प्रयोग कर रहे हो, अब जनता प्रयोग करेगी। इस देश का 140 करोड़ जनता जिस तरह से धोखा जुमला और की सरकार चल रही है, इसमें जात धर्म को लाके हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र एक कल्पना करके, जिस तरह मेघालय के वो लोग तो खाते हैं, वही किरण रिजवी जी जो यहाँ के मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं, किरण रिजिजू जो आप
आपको मंत्री हैं वो बोले थे कि हम मांस खाते हैं और हम इससे, जब उनके नेता बीप का व्यापार करते हैं, बड़े बड़े नेता जो हिंदूवादी बनते हैं वो बीप का व्यापार करते हैं। पर पिछले कह रहे हम तो हिंदू हैं नहीं, तो फिर हिंदू राज कैसे बनेगा? जब शूद्र को ये तीन वर्ण हमारे शरीर में, जब शरीर में हम पाए मनु के बाद, ये ब्रह्म ब्राह्मण मस्तक को कहा जाता है, यहाँ विष्णु का वास करते हैं, शूद्र पैरों में कहा गया। लेकिन शूद्र के पास तो सब झुकता है ना, पैर को शूद्र मानते हैं, लेकिन जो आदमी नतमस्तक होता है तो कहाँ से शुरू होता है? वर्ण व्यवस्था पे विश्वास करते हैं? नहीं, वर्ण व्यवस्था पे विश्वास जो बना है हमारे जो पूर्वजों ने बाढ़े पुत्र पिता के धन में खेती उपजुपे सारे आपके पूर्वज हमारे पूर्वज ये तो देखिए वर्ण विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए अभी विरोध देखिए क्या है, विरोध करने का कारण क्या है? जिस तरह से इतना दिन तक हम लोग 47 के बाद आजाद हुए, उसके बाद से अभी भी वही जो छुआछूत की भावना, दुर्भावना अभी भी कई जगह पड़ा है। मंदिर में अगर शूद्र चला जाता है तो मंदिर धुलवाना, जान गए कि शूद्र आया है तो पंडित जी लोग मंदिर धुलवाना शुरू कर देते हैं। वहाँ कैसे आप कल्पना हिंदू राष्ट्र का कर सकते हैं? और जिस तरह से हिंदू का ही बेटी, वो जो बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चढ़वाते हैं, हिंदू पर ही चढ़वाते हैं, वो जाते हैं हिंदू बेचारे मर जाए, वो माँ और बेटी दोनों जल के राख हो जाती है, खाक में मिल जाती है, वही उनके अफसर मुख्य दर्शक बने रहते हैं। सपोर्ट में, विरोध में? किसके? मनु, मनु के। हम मनु की नहीं, हम मानव के सपोर्ट में हैं। कर्मण्येषेवाधि के मा फलेषु कदाचनम्, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर रही तस फल चल। गीता में लिखा हुआ है कि कर्म के आधार पर जात का भी, हम जात को भी मानते हैं, कर्म के अनुसरण पर ही ये दुनिया चल रही है। आप अगर प्रेस करने वाला राजपूत या ब्राह्मण प्रेस कर रहा है शहर में, तो उसको आदमी राजपूत ब्राह्मण ने उसके कर्म के आधार पर बोलेंगे धो भी। संविधान से चलेगा, धर्म शास्त्रों से? संविधान से चलेगा। मैं बार बार तो ही शुरू किया हूँ कि संविधान ही सर्वोपरि है। जब तक संविधान है तो हमारा राष्ट्र में एकता और अखंडता, भाईचारे की रिश्ता है। जहाँ संविधान के बाहर ये लोग डालने का कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जात धर्म मुस्लिम हिंदू और देखिए वहाँ उनका इसका विरोध कर रहे थे, कौन फिल्म आया था अभी बिकनी का, और वही शाहरुख खान को बुला रही है भाजपा की मंत्री स्मृति ईरानी अपने बेटी के उसमें आशीर्वाद देने के लिए। तो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं लोग, एक तरफ बिकनी का बहिष्कार कर रहे हैं, एक तरफ आशीर्वाद के लिए शाहरुख खान को बुला रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है भाजपा वाले एक तरफ RSS वाले मुस्लिम का बहिष्कार करते हैं, वहाँ मौलाना के पास पहुँच जाते हैं नमाज पढ़ने, वाई प्लस सुरक्षा दिलाते हैं। तो कहाँ विरोध करा पड़ा? तो विरोध, अरे बीजेपी के ही बजरंग दल जो सम्मिलित है, बीजेपी का ही मुखौटा है ना बजरंग दल, हिंदूवादी, वही ना हिंदू का प्रमाण लेके घूमते हैं। देखिए मोदी जी से है ना बीजेपी। सुनिए मोदी जी क्या बोलेंगे, मोदी जी हिंदूवादी बनते हैं और हिंदू का ही नाम लेकर ये देश में राज करने आए थे। आज हिंदू समझ चुके हैं कि हमको जात धर्म गोत्र में बांटने का कोशिश किया जा रहा है, अब हम बटेंगे नहीं, हम जुट गए हैं और देश को आजादी में सारे लोग का हाथ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब ऐसे द्वेष और भावनाओं से देश नहीं चलेगी, एकता और अखंडता पर चलेगी। ऐसे भाषा बोलने वाले बाबाओं का दुकान बंद होगा, देश का जनता एक दिन दुकान बंद करेगा। ये काम सिर्फ आप बीजेपी को ठहरा रहे हैं, बीजेपी राज्य में नहीं हो रहा है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है। देखिए गौ तस्करी के आरोप में दो लोगों को मार दिया गया। देखिए गौ तस्करी के आरोप में दोनों को मारा गया, मरा कहाँ पे है? हरियाणा में। राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी थी? सुनिए पहले, हरियाणा में उसको मारा गया है, राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी थी। जब वो खोजबीन शुरू हुआ तभी तो पता चला अभी, और मारने वाला कौन हुआ, वो बजरंग दल वाले, उसका भाई इस्माइल ने साफ बोला कि ये बजरंग दल वाले दोनों भाइयों को हमारे जला के राख कर दिए। तो उसको देखिए बीजेपी और उसकी बात नहीं, ये जहर फैलाने। आप सुनिए आगरा में देखे होंगे कि हिंदू का मुस्लिम का टोपी जाली वाला पहन के हिंदू के बजरंग दल वाले मांस मंदिर के सामने फेंक रहे थे, टोपी कौन सा पहने थे, मुस्लिम वाला पहने थे। तो ये विद्रोह कराने के लिए हिंदू मुस्लिम बिकनी की राजनीति करते हैं। कि जब पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने उन लोगों को अपनाने से इनकार कर दिया, तभी तो वो हरियाणा बॉर्डर के पास लेकर गए। सुनिए राजस्थान बॉर्डर पे नहीं ले गए, राजस्थान के एक जगह पे आया गया है और वहाँ जला हुआ लाज, वो भी जला हुआ दो हड्डियाँ मिली है। अभी तक साबित नहीं हुआ कि कौन किया है, लेकिन उसमें जांच चलते रहता है। लेकिन वो जांच कहाँ तक, राजस्थान पुलिस सक्रियता से काम कर रही है, ऐसा बात नहीं है कि राजस्थान में काम नहीं चल रहा। लेकिन जिस तरह से इस देश में
ये नकाबपोश नकली हिंदू जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर कर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से रहे, मार रहे हैं, ये सुनिए सुनिए, गो तस्करी देखिए वही नहीं, मारने का कई काम कर रहे हैं। रामदेव बाबा जैसा आदमी जो कहता है कि जो पांचों वक्त का नमाजी, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है, पांचों वक्त का नमाज पढ़ने वाला मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है और वो रेपिस्ट है, कई तरह का भाषा बाबा लोग ही बोलता है। बाबा लोगों का जिस तरह से यह षड्यंत्र चल रहा है भाजपा का, ये भाजपा नेशनल चैनलों पर लाकर जब अडानी का समस्या, अडानी का बात चर्चा न करे, किसी घोटाले का चर्चा न करे, तो इसलिए उसको हटाने के लिए, पब्लिक के प्लेस से हटाने के लिए नेशनल चैनल बाबाओं को लाकर आज नित्य प्रतिदिन बाबा आके बैठ गए हैं और बाबा हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं। आज ये संविधान से देश चलेगा, बाबाओं से देश नहीं चलेगा। घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, किसे लगता है? देश के लोकतंत्र पर बैठा हुआ, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बताने वाला देश का प्रधानमंत्री है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। यहाँ पर सिर्फ आप एक धर्म को टारगेट बनाकर नहीं चलते हैं, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले, यह देश हिंदू राष्ट्र से नहीं, सबके साथ सबके सहयोग की बात आप करते थे, सबके साथ सबका विकास की बात करते थे, वो कल्पना लेकर जिस तरह से आप आ गए और जिस तरह से आप फेलुअर हुए हो, तो आप राम का मुद्दा लेकर आए थे, अब राम का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट आदेश से बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ जो वहाँ के ट्रस्टी हैं बना रहे हैं, तो इनके पास अब मुद्दा विहीन है, तो मुद्दा विहीन भाजपा क्या करेगा? अब हिंदू को, अब शूद्र को हिंदू नहीं मानते हैं, बाइकवट को हिंदू नहीं मानते हैं, एसटी को हिंदू नहीं मानते हैं, जब चुनाव आता है तो रिक्शा वाले को भी भ्रमित करके कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो हिंदू की कल्पना करने वाले, हिंदू को धोखा देने वाले 140 करोड़ आदमी, जनता रोजगार के लिए परेशान है, बेरोजगारी के लिए परेशान है, ये लोग बस धर्म का प्रोपगंडा बनाकर देश को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, मोनू मानेसर जो मुख्य आरोपी है उस घटना का, उसके फोटो गृह मंत्री के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ और पुलिस अधिकारियों के साथ, आपको अब मैं ले चल रहा हूँ कुछ घटनाओं के पीछे। वो जो दर्जी का राजस्थान में गला रेतने वाला मुस्लिम था, वो भाजपा कन्हैया लाल दर्जी का, तो वो भी मुस्लिम जो था वो भाजपा का कार्यकर्ता था। आप अमित शाह के पीछे देखे होंगे एक आतंकवादी जो उसका मीडिया सेल का अध्यक्ष था यहाँ का कश्मीर का, उसके यहाँ जाकिरा पब्लिक ने पकड़वाया, जाकिरा आतंकवादी निकला, वो किसके पीछे खड़ा था? देश के गृह मंत्री के पीछे। तो उनका सुरक्षा व्यवस्था सारा आईबी फेल हो गया, एक आतंकवादी को संरक्षण अपने पार्टी का पदा दे। मध्य प्रदेश का भी घटना देखे होंगे, एक हिंदू था जो आईटी सेल का हेड था, वो आतंकवादी संगठन से मिला हुआ था। तो भाजपा का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, फूट डालो राज करो, जैसे अंग्रेजों ने पहले आया था, अंग्रेज चाय, एक अंग्रेज चाय बेचने वाला था, अरे चाय के साथ हम लोग ईस्ट ऑफ इंडिया बनाया और देश को गुलाम किया, दूसरा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, वो आज हमको गुलाम बनाने पर मजबूर कर दिया। महंगाई पर चर्चा नहीं होगा, अडानी पर चर्चा नहीं होगा, देश के सुरक्षा पर चर्चा नहीं होगा, चाइना कितना घुसा उस पर चर्चा नहीं होगा, संसद बंद कर दिया जाता है, तो देश के मुख्य मुद्दा जो है महंगाई बेरोजगारी उस पर चर्चा नहीं होती है, हिंदू पर चर्चा होगा, बिकनी पर चर्चा होगा, कपड़ों पर चर्चा होगा। ये देश का दुर्भाग्य कि ऐसे सरकार के साथ हम खड़े हैं जो हमें कंगाली पर लाकर खड़ा कर दिया। आज लोग तरस रहे हैं कि हमारा कब पारी आएगा, मरने के लिए, लटकने के लिए। इन फोटो को लेकर ये कहते हैं ना कि ऐसे तो कोई भी फोटो खिंचवा ले, अरे भाई वो क्राइम करते जाके, तो इसके लिए सुनिए, देश का गृह मंत्री के पीछे कोई आम आदमी जाके खड़ा हो जाए, आतंकवादी कैसे खड़ा हो गया? जो पकड़ा गया वहां पर जाकिरा पकड़ा गया था कश्मीर में, उनके आईटी सेल का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है, मध्य प्रदेश का आईटी सेल का एक हिंदू ही श्रीवास्तव था जो पकड़ा गया था, वो भी आतंकवादी था, हिंदू आतंकवादी था, और वो भी आतंकवादी संगठन से मिला हुआ था, तो भी भाजपा का आईटी सेल का, तो भाजपा का क्यों निकलते हैं सब, जितने भी आतंक फैलाते हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता निकलते हैं। इसमें एक बात और भी, जैसे आप हिंदू हैं और इस पूरे मामले को लेकर, इससे पहले भी घटनाओं को लेकर हिंदू संगठन और हिंदू लोग सड़कों पर उतरते हैं और आप आज भी बचाव में उतरे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए देश में हम कहते हैं सनातन को खतरा है, देखिए सनातन को खतरा कब से हुआ? 2014 के बाद से। हाँ, 75 साल का राह पलापने वाले देश के दुर्व्यवस्था को, जिस व्यवस्था था, जितना हम एकता और अखंडता, हम दिवाली मनाते थे, ईद मनाते थे, होली मनाते हैं, हमारे प्रेम और सौहार्द को तोड़ने के लिए जात धर्म को लाया गया है राजनीति रोटी सेकने के लिए, और देश का दुर्भाग्य जिस तरह से है, ऐसे लोग को पनपने का काम 2014 के बाद हुआ, जो कुछ भी बोल के देश
को किसी धारा में ले जाते हैं उनको बोलने का अधिकार, धारा में नहीं अमृत काल में जी रहे हैं। ये 75वां अमृत काल यही है कि आप अमृत लेकर एक तरफ जहर घुरो के पिलाइए और लोगों को मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य, ऐसे सरकार और सत्ता रहेगी तो हम भाई भाई में, परिवार में भी हम लड़ेंगे और जात कुल में भी लड़ेंगे। ये देश का दुर्भाग्य, न हिंदू बदलेगा, न मुस्लिम बदलेगा, न ईसाई बदलेगा, न हमारा सरदार बदलेंगे। बदलेगा तो मोदी का सरकार बदलेगा।